मॉर्निंग, माय सेल्फ मिलन कुमार फ्रॉम सत्येंद्र प्राइवेट आईटीआई डिजिटल लर्निंग क्लास। आज मैं आप लोग को इंजीनियरिंग ड्राइंग में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में कुछ डिटेल में समझाऊंगा। जैसा कि मैं पिछले क्लास में आप लोग को बताया था कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का जो है आपके बुक में जैसा है उसका कुछ बताए थे, ओवर व्यू बताए थे, उस प्लांट में होता क्या है, कैसे काम करता है, ओवर व्यू बताए थे। लेकिन आज जो मैं आपको बताऊंगा ताकि आपके माइंड में फुल्ली मेकअप हो जाएगा कि कैसे ये काम करता है, कैसे हम पानी द्वारा बिजली को पैदा करते हैं, तो ये चीज है। ये आपका बहुत ही सिंपल भाषा में आपको मैं भी समझाऊंगा। इस वीडियो को अच्छी तरह देखने के बाद आप लोग इसको बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं, इसलिए इसको सिंपल भाषा में मैं बना के आप लोग को समझा रहा हूँ। और जहाँ तक वो आपका ड्राइंग बनाने का बात, मैं इस चीज का जो ओरिजिनल ड्राइंग का शीट में बनाना होगा उस चीज का मैं फोटो आप लोग को भेजूंगा। ये आपका जो बेसिकली है होता क्या है, कैसे क्या काम करता है, वो चीज के बारे में मैं डिटेल समझाऊंगा और बहुत ही सिंपल भाषा में इसको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को ये इस फोटो में दर्शाया गया है। तो इसके बारे में हम स्टार्ट करने के पहले जान लें कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, हाइड्रो से आपका पानी से संबंधित हो गया, इलेक्ट्रिक जो आपका बिजली से संबंधित हो गया, पावर प्लांट मतलब क्या है, पानी का यूज करके हम बिजली को पैदा कर रहे हैं, उस प्लांट को हम सिंपल भाषा में समझ रहे हैं कि सिंपल सिंप्लिसिटी आखिर उसमें होता क्या है। उसके बाद फिर डिटेल में देखेंगे इसका सब चीज फंक्शन। सबसे पहले देखिए डैम, हमारे पास क्या है, एक डैम है, बहुत सारा आपके अगल बगल में है, मैथन डैम, यहाँ आपका बरमसिया के पास है डैम, फिर बहुत पानी का जहाँ ऊंचाई पे, ज्यादा ऊंचाई पे पानी का जब रखरखाव होता है तो उस जगह को हम लोग डैम कहते हैं। और उस डैम का फंक्शन क्या है, आपका पतरातू वगैरह भी है, तो डैम का काम क्या है, वहाँ वो हाई ज्यादा ऊंचाई पे एक बांध बना के रखता है और पानी को स्टोर करता है, और जरूरत के आधार पे हमको जब जैसा जरूरत है वहां से डैम से पानी का निष्कासन होता है, और जिस बेसिस पे उसके बाद हम लोग डैम के बाद हम लोग उस पानी को नदी में बहाते हैं, या फिर हम लोग को नदी में अगर पानी का जरूरत हो तो डैम को वैसा खोला जाता है और उससे हम लोग यूज करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि ये जो है हमारा डैम है, डैम में क्या होता है, बहुत ही मोटा दीवार होता है ताकि उस पानी को स्टोर कर पाए। आप कभी पतरातू थर्मल पावर प्लांट जाइएगा तो वहां पे आपको डैम मिलेगा, या फिर मैथन जाइएगा तो वहां भी डैम मिलेगा, तो कुछ ऐसा ही वहां का भी नजारा होगा। तो यहाँ देखिए डैम में बहुत ही मोटा दीवार है और पानी बहुत ही हाई, ये जमीन का सरफेस हो गया, बहुत ही हाई डिस्टेंस ऊपर है। तो अब देखिए बहुत ही ज्यादा दूरी के ऊपर अगर बहुत, या इसको बोलिए कि बहुत ही हाई हाइट मान लीजिए, बहुत ही ऊंचाई पर जब पानी को रखते हैं तो पानी में हमारा संचित ऊर्जा रहता है जो कि पोटेंशियल एनर्जी जिसको बोलते हैं, उसको हिंदी में बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, स्थिति ऊर्जा। ऊर्जा
या पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको इंग्लिश में ही लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए पानी में जब हमारा पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा ऊंचाई रहने के कारण, तो अब ये जो डैम का आपका दीवार है यहाँ पे एक हमारा भाव टाइप का रहता है जिससे हम पानी को खोलते हैं। देखिए तो इसको अगर हम खोले तो यहाँ एक हमारा पाइप लगा हुआ है और उसी पाइप को हम लोग मेनली अपने टेक्निकल भाषा में बोलते हैं पेन स्टॉप। पेन सिंपल वे से हम लोग पाइप बोलते हैं और यहाँ चूंकि हम लोग टेक्निकल चीज जान रहे हैं इसलिए उसको क्या बोलेंगे पेन स्टॉप। और पेन स्टॉप जो आपका बना होता है कॉन्क्रीट या फिर स्टील। अब देखिए या तो वो कंक्रीट आपका सीमेंट बालू गिट्टी वगैरह का पाइप बना रहता है या फिर स्टील का भी पाइप बना रहता है। और ये जो बना होता है जहां पे ये पावर प्लांट होता है जनरली इस पाइप का डायमीटर आपका होता है 2 मीटर। मतलब कि चारों तरफ अगर उसका हम लंबाई नापते हैं मोटाई गोलाई तो वो गोलाई आपका 2 मीटर है यानी कि लगभग 10 फीट के बराबर। तो उसका अगर रेडियस या डायमीटर नहीं इसको बोलेंगे पैरामीटर। पैरामीटर 2 मीटर है उस पाइप का मोटाई है। ज्यादा मोटा रहने के चलते उसमें ज्यादा पानी का वो होता है फ्लो होता है इसलिए इसका 2 मीटर हो गया 10 फीट लगभग। अब देखिए वो पानी नीचे आया। अब यहाँ पे हमारा एक बल्ब लगा हुआ है बहुत बड़ा सा बल्ब रहता है पाइप के लास्ट तरफ होता है बल्ब। बल्ब का काम क्या है कि पानी का जो बहाव है उसको रोकता है या फिर चालू करता है। उसके बाद बल्ब के बाद आपका नोजल लगा हुआ रहता है। नोजल का काम क्या है कि इसके गति को और ज्यादा तेज करता है। तो मान लीजिए इस बल्ब को हम ओपन कर दिए बल्ब को खोल दिए ये नोजल से और स्पीड हुआ तो पानी का प्रेशर मारेगा इस पे। जैसे इस पंखा पे पानी का प्रेशर मारा तो ये पंखा इसको घुमाएगा प्रेशर से धकेलेगा। तो ये जो प्रेशर गति पानी का जो है पानी का यहाँ देखिए पानी में कौन सा ऊर्जा है पोटेंशियल एनर्जी। हम जानते हैं कि ऊर्जा को न हम बना सकते हैं न फिर विनाश कर सकते हैं उसको एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। यह पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम लोग क्या किए काइनेटिक एनर्जी में बदले। मतलब पानी को धार बना दिए तेज धार बना दिए तो ये जैसे पानी पंखी में मारा पंखी को ढकेला फिर जोर से ढकेला ऐसे करते करते ये जो है एक रोटर रोटेट करने लगता है चारों तरफ बहुत हाई स्पीड से रोटेट करता है। और ये जो पूरा चीज है इसको हम लोग क्या बोलेंगे टरबाइन। और जैसे ये रोटर रोटेट करेगा ये बीच में एक शाफ्ट से कनेक्टेड है उस शाफ्ट को क्या बोलेंगे टरबाइन शाफ्ट। चूंकि ये टरबाइन है उसका बीच वाला जो शाफ्ट है उसको बोलेंगे टरबाइन शाफ्ट। अब देखिए टरबाइन शाफ्ट से आपका जो है ये अल्टरनेटर है अल्टरनेटर को हम कपल कर दिए हैं इसका रोटर को। तो आपका ये जैसे मेरा घूमा बहुत हाई स्पीड से तो ये भी तो अल्टरनेटर भी तो घूमेगा उतने स्पीड से। तो जैसे मेरा अल्टरनेटर घूमा यहाँ पे हमको क्या मिल गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो देखिए यहाँ क्या हुआ ये गतिज ऊर्जा है गतिज ऊर्जा को जैसे टरबाइन का पंखी में मारते हैं तो यहाँ पे ये घूमने लगता है कि क्या होता है
मैकेनिकल एनर्जी बन जाता है। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी पानी में था, उस पानी को हम लोग काइनेटिक एनर्जी बदले ताकि पानी का तेज धार बना और काइनेटिक एनर्जी बना, उससे हम लोग टरबाइन को घुमाए। तो यहाँ टरबाइन को घुमाने के बाद क्या हुआ कि मैकेनिकल एनर्जी बना और वो रोट घूमने लगा टरबाइन। इस मैकेनिकल एनर्जी के थ्रू ये अल्टरनेटर का रोटर घूम रहा है। तो यहाँ जैसे रोटर घूमा हमको आउटपुट क्या मिल गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। चूंकि अल्टरनेटर का सबसे बड़ा गुण होता है, अल्टरनेटर को अगर हम घुमा देते हैं तो वो हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे देता है। तो यहाँ पे बेसिकली आपका सब चीज क्या हो गया, ये डैम हो गया, डैम तो समझ गए, टरबाइन भी आप समझ गए, एक पेन स्टॉक बेसिकली क्या है, एक पाइप है जिसको टेक्निकल भाषा में हम लोग पाइप को बोलते हैं, पेन स्टॉक। अब एक बच गया है सर्व टैंक। अब देखिए कोई कारणवश अगर मान लीजिए हमको बंद करना पड़े सिस्टम, तो सबसे पहले क्या करेंगे, बंद करने के लिए ये क्या करेंगे, भाग को हम लोग भाग से हम लोग बंद करेंगे। तो अब यहां ध्यान दीजिए कि भाग इसका जैसे हम बंद किए, चूंकि ये करीब 10-20 मीटर हाइट से पानी आ रहा है तो बहुत ज्यादा इस पाइप में प्रेशर हो जाएगा, ये पाइप में बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाएगा। अचानक अगर चल रहा है, अचानक बंद कर देंगे, इस जगह इतना ज्यादा प्रेशर आ जाएगा कि हमको हो सकता है कि इस जगह मेरा डैमेज कर जाए या कुछ डिस्टर्ब हो जाए पाइपलाइन में। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ सर्व टैंक देते हैं, ताकि इसका जो है ये वाला दीवार बहुत ही वो होता है ऑटोमेटिक खुलने वाला, बंद होने वाला। तो ज्यादा प्रेशर जब इस पाइप इसको बंद किए तो यहाँ प्रेशर बढ़ गया, चूंकि हाइट से पानी आ रहा है, तो उस प्रेशर को यहाँ पे ऐसा सिस्टम रहता है कि ज्यादा प्रेशर होने के बाद ये ओपन हो जाता है और ये पानी इसमें थोड़ा थोड़ा स्टोर होके इस पाइप का प्रेशर को कम कर देता है। फिर जैसे प्रेशर कम हुआ ये हमारा बंद हो गया। तो प्रेशर बंद हो गया तो सर्व टैंक का काम क्या हो गया कि जब इस पाइप लाइन में या फिर पेन स्टॉक का बहुत हाई प्रेशर जब रहेगा, उस प्रेशर से पाइप डैमेज नहीं हो, तो पाइप डैमेज अगर नहीं हो तो उस चीज को बचाने के लिए हम लोग सर्व टैंक का यूज करते हैं। तो इस टाइप का चीज हम लोग हमेशा इस्तेमाल में लाते हैं, ये बेसिकली चीज है। अगर इस चीज को फिर दोबारा समझना है तो फिर से वीडियो इसको देखिएगा। तो जो जो हम बोले हैं बेसिकली हम आपको लगभग सारा चीज बता दिए, पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी बदले, काइनेटिक से मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बने बदले। तो हमको जो चाहिए था वो हमारा प्राप्त हो गया, सारा चीज का अलग अलग हम फंक्शन बता दिए। और जहां तक ये तो आप पूरी तरह समझ गए होंगे, और जहां तक आपका ड्राइंग का सवाल है उस चीज का हम फोटो खींच के आपको व्हाट्सएप पे भेज देंगे। तो आज के क्लास में इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।